प्रयागराज का संगम तट पूरी तरह से तैयार है अपने दूसरे शाही स्नान के लिए। प्रयागराज संगम से न्यूज एशियन आपको हर वो खास तस्वीर दिखा रहा है जो इस कुंभ मेले में नजर आ रहा है। भाई माघ मेले की मौनी अमावस्या का अवसर हो और ऐसे में लोगों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दूसरा शाही स्नान और मौनी अमावस्या, ये शुभ संयोग ही दूर दूर से लोगों को यहाँ पर खींच कर लेकर आ रहे हैं और यही वजह है कि आप जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आती है। आप पीछे भी देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की भीड़ संगम तट के किनारे अभी से लोग जुटना शुरू हो रहे हैं ताकि जैसे ही वो घड़ी आए जब लोग जो ये पुण्य प्राप्त कर सके आस्था की डुबकी लगाते हुए, वो हर तस्वीर आप देखिए खास तस्वीरों के साथ में इस खास एपिसोड में। आस्था का महापर्व प्रयागराज कुंभ, संगम तट पर भक्तों का सैलाब, धुनी जमाए साधु संत और फिजा में गूंजते मंत्रोच्चार। कहते हैं जिसने प्रयागराज कुंभ नहीं देखा तो क्या देखा, और जब शुभ घड़ी मौनी अमावस्या की आई तो भक्तों का जोश परवान पर पहुंच गया। सनातन धर्म में माघ के मौनी अमावस्या की यूं तो गहरी मान्यता है, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या में 5 दशक बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि दूर दूर से सबसे पावन स्नान के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। ये बताइए कितनी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं? अरे पैदल तो हम चल रहे हैं, 5 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। कितना? 5 से 10? हाँ, 5 से 10 किलोमीटर। थकी नहीं? नहीं थका नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों? कुछ नहीं, माता जी का कृपा है साहब। अम्मा पैरों में दर्द नहीं हुआ? नहीं नहीं दर्द नहीं हुआ। आस्था का एक रंग है और यही एक शक्ति भी देता है। जो लोग बड़ी दूर से आए हुए हैं भले ठंड कैसी भी हो, स्टेशन हम आपको बताएं यहाँ से 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी स्टेशन की होगी और वहाँ से लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर अमृत की वर्षा होती है, इस दौरान कुंभ में इसे सबसे बड़ा कहा जाता है। नक्षत्रों के मुताबिक 3 फरवरी की रात 11:12 से 4 फरवरी को देर रात 2 बजे तक मौनी अमावस्या का योग रहेगा। भले ही मौसम सर्दी का हो और संगम तट पर प्रचंड ठंड, लेकिन भक्ति में रमे भक्तों को ना तो ठंड की फिक्र है और ना ही रात की परवाह। साधना में लीन भक्त दुर्लभ संयोग के साक्षी बनने के लिए पूरे जोश में है। प्रशासन ने अनुमान लगाया है करीब 3 करोड़ लोग इस दिन मौनी अमावस्या स्नान पर यानी 4 तारीख को 4 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे। उसके पहले ही आप देख सकते हैं कि पूरा संगम क्षेत्र श्रद्धालुओं से पट गया है, अट गया है और आसपास के जो तमाम रास्ते हैं वो जाम हो चुके हैं। आप सामने से दृश्य देख सकते हैं, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। अगर हम बात करें करीब 17 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां लगाई गई हैं, 14,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, पूरे मेला क्षेत्र को 440 सीसीटीवी के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है, 41 घाट बनाए गए हैं जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, और जिस तरह की तैयारियां हैं, अभूतपूर्व इंतजाम है, जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं जो प्रयागराज जिले को जोड़ते हैं, जो टर्मिनल स्टेशन हैं वहां पर लगातार जो स्पेशल ट्रेन, करीब 100 स्पेशल ट्रेन लगाई गई हैं। संगम तट पर खुले में विधि विधान से पूजा अर्चना और जप का सिलसिला जारी है। अमावस्या शुरू होने से पहले ही लोग प्रयागराज में जुटने लगे हैं। कुंभ में ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारत सिमट आया हो। मकर संक्रांति से लेकर अब तक करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन मौनी अमावस्या पर सबसे बड़े स्नान में भक्तों की तादाद नया रिकॉर्ड कायम करेगी। मौका मौनी अमावस्या का है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो किसी भी तरह की स्थिति जो है वो बिगड़े ना, ये लगातार कोशिश की जा रही है। और गाड़ियों की अगर बात करें तो गाड़ियों को कई जगहों पर रोका भी जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ नैना यादव, प्रयागराज कुंभ। तो कुंभ मेले के दूसरे शाही स्नान के लिए साथ ही साथ मौनी अमावस्या के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि प्रशासन का दावा है कि मौनी अमावस्या वाले दिन 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। अब ऐसे में प्रशासनिक क्या तैयारियां हैं वो भी जरा देखिए।
मौनी अमावस्या पर कुंभ में खास इंतजाम। अब कुंभ मेले में कोई नहीं होगा गुम। चप्पे चप्पे पर होगी प्रशासन की पैनी नजर। सुरक्षा में तैनात लाखों जवान। मौनी अमावस्या का पावन पर्व, कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर यूं तो करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में संगम तट पर भक्तों की सुरक्षा और सहूलियत बड़ी चुनौती है। इस साल कुंभ मेले के दूसरे शाही स्नान का महत्व देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं। कुंभ मेले में सबसे ज्यादा डर होता है अपनों के बिछड़ने का, लेकिन प्रशासन ने ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम किया है ताकि अपनों का साथ छूटने पर अफरा तफरी जैसा माहौल न बने। हाईटेक सुरक्षा चक्र से फौरन समस्या दूर की जाएगी। मौनी अमावस्या का नहान नजदीक आ गया है, तो ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा है और खोने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद खो गए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से अनाउंसमेंट हो, उनका नाम बताया जाए, जिससे कि उनके नाते रिश्तेदार साथी हैं उन्हें यहाँ से ले जा सके। या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई बिछड़ गया है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और चाहते हैं कि उसके नाम का अनाउंस हो, जिससे कि उसको यहाँ पर लाया जा सके और वो उससे मिल जाए। कुंभ मेले में कंट्रोल रूम के जरिए अभी तक कई बिछड़ों को मिलाया जा चुका है, क्योंकि टोल फ्री नंबर और खोया पाया केंद्र पर बड़े सुचारू ढंग से काम चल रहा है। कहाँ से बच्चा हेरा गया है, बच्चा हेरा गया तो मन तो बेचैन रहा, तब खोज के लिए तब अथी पुलिस के अथी के लिए मिला ला, खबर के लिए तो पुलिस के द्वारा। कई लोगों ने तो अपनों को साथ रखने के लिए खास इंतजाम भी किया है। बंगाल से आए करीब 2 दर्जन लोगों ने देखिए कैसे एक दूसरे के साथ चलने का ये अनोखा प्लान बनाया है। कुंभ में लाखों लोगों का मेला है, मेले में लोग खो ना जाए, इसलिए लोगों ने एक नया उपाय भी निकाला है। चारों तरफ कपड़े से एक दीवार बना दी है, राउंड बनाकर कवर किया हुआ है, क्योंकि खतरा यह है कि बाहर निकलेंगे तो इस जन सैलाब में खो जाएंगे। मौनी अमावस्या पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए संगम स्नान का खास इंतजाम किया गया है। इसके लिए यूपी पुलिस के होमगार्ड विभाग ने नई पहल की है। इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को गंगा में डुबकी लगवाने की जिम्मेदारी होमगार्ड्स ने उठाई है। कंट्रोल रूम में जानकारी देने के बाद बुजुर्गों और दिव्यांगों को रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से रिसीव करने से गंगा स्नान के बाद खाना खिलाकर बस ट्रेन में बिठाने तक की जिम्मेदारी होमगार्ड विभाग ने उठाई है। मौनी अमावस्या पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो उतार दिए गए हैं। आर्मी एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ भी मुस्तैद है। 20 एएसपी, 12 एडीएम, 24 एसडीएम और 50 डीएसपी भी कुंभ मेले में तैनात हैं। इसके साथ ही 43 फायर स्टेशन और 15 सब फायर स्टेशनों के साथ 40 फायर वॉच टावर लगाए गए हैं। 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे शहर व मेले में इंस्टॉल किए गए हैं। 10,000 सिविल पुलिस भी मेले में तैनात है। 7,000 होमगार्ड्स के जवान और 2,000 पीआरडी जवान की तैनाती है। 15 पीएसी कंपनियां और बाढ़ राहत के लिए 6 कंपनियां तैनात हैं। 37 पैरामिलिट्री कंपनियां, 12 एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें और 2500 वॉलंटियर्स को भी मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। कुंभ मेले में जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी प्रशासन की पैनी नजर है। तभी तो पानी के अंदर भी नौकाओं पर यूपी पुलिस ने कंट्रोल रूम बना रखा है। सोमवार को मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने वाली है, लेकिन इन सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कुंभ मेला पूरी तरह सुरक्षित है। प्रयागराज से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दिव्य और भव्य कुंभ में जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं अगर ये बात करें कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं, वहां पर संतों की रसोई भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है और संतों की रसोई का जायका भी लोगों को खूब भा रहा है। कहीं पूरियां तली जा रही हैं, कहीं मिक्स वेज पर जोर है। बड़े बड़े बर्तनों में भक्तों के लिए तैयार हो रहा है दिव्य भोजन, सुपाच्य, स्वादिष्ट और सात्विक। यानी ख्याल सेहत का भी, ख्याल स्वाद का भी और ख्याल भक्ति का भी। प्रयागराज में ये हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन की रसोई है, जहाँ कुंभ में आए भक्तों के लिए भोजन का इंतजाम किया जा रहा है।
कहते हैं कि जैसा आहार वैसा विचार, यानी व्यक्ति जो चीज़ें ग्रहण करता है, जिन चीज़ों का सेवन करता है, उनका असर उसके विचारों पर पड़ता है, उसकी जीवन शैली पर पड़ता है। हम इस वक्त दिव्य प्रेम सेवा मिशन के किचन में है, कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि भोजन बनता है और दिन भर में सैकड़ों हज़ारों लोग जो है यहाँ पर लंगर में भोजन करते हैं और तरह तरह के आपको यहाँ पर किस्म किस्म के जो आहार है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बनता है। रसों से जो युक्त हो रसोई है, और उपनिषदों में कहा गया रसो वैसह परमात्मा का स्वरूप, इसलिए अन्नपूर्णा हमारे यहाँ देवता के रूप में, देवी के रूप में मानी जाती है। इसलिए संतों की रसोई में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। एक तो सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, और देखने में भी भोजन अच्छा हो, ताकि लेने वाले को, ग्रहण करने वाले को प्रथम दृष्टया ही भोजन ग्रहण करने की इच्छा उसके मन में जागृत हो जाए। रोजाना हजारों की तादाद में भक्त कुंभ मेले में आते हैं, तो संतों ने उठा लिया है उनके खाने पीने का जिम्मा। कई शिविरों में इसी तरह भक्तों के लिए भोजन तैयार होता है। ये मिक्स वेज है, इसमें आलू है, इसमें गाजर है, इसमें गोभी है, इसमें शिमला मिर्च है, इसमें मटर है। इस प्रकार से यह मिक्स वेज बनाया जाता है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए। ये सूखी सब्जी, इसमें रसा पानी थोड़ा कम है, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये छोला बना हुआ है भक्तों के लिए, ताकि वह स्वाद भी उनको इस प्रकार का मिल सके, ताकि उनका मन अच्छा रहे। तो हम भोजन यहाँ निर्माण करा के अपने शिविर के बाहर विधिवत स्टॉल लगा के किसी भी आने जाने वाले भक्तों के लिए उसकी चिंता करते हैं, ताकि उनको प्रसाद मिल सके। कहते हैं भंडारा सिर्फ भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद है, और यहाँ सुबह से ही इस भोजन रूपी प्रसाद की तैयारी शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते से लेकर रात के खाने तक रसोई में भोजन तैयार किया जाता है। किस तरह से भोजन को स्वादिष्ट बनाया जाए, उसके लिए उनके पास अलग से फार्मूला है, और इस बात का प्रयास करते हैं कि जो तमाम लोग भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं उनको सात्विक भोजन मिले, लेकिन साथ ही साथ वो स्वादिष्ट भी हो। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीतेज सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज कुंभ में जो दूसरा शाही स्नान है और मौनी अमावस्या के लिए सभी घाट पूरी तरह से तैयार है, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, और ये रंग हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल महाकुंभ की इस खास पेशकश में इतना ही।